सो हाय फ्रेंड्स, आई एम शू एंड यू आर वॉचिंग एस एस 7 एंडोटेक। और फ्रेंड, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ BGMI से रिलेटेड। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं दो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। पहली, एक तो हमें प्रीमियम क्रेड फ्री में मिल रही है, और दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको RP मिशन week 3 का बताऊँगा कि उसे कैसे जल्द से जल्द आप पूरा करो। सो फ्रेंड, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, आपको सिंपली अभी शॉप पर जाना है, क्योंकि इसका आइकन अभी दिख नहीं रहा इस स्पिन का। और शॉप पे जाने के बाद आपको इस पर फ्रॉम इवेंट करना है, तो आपको डायरेक्ट ही स्पिन मिल जाएगी। और अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, तो आपको स्पिन वैसे भी दिखने को मिल जाएगी ऊपर फ्रंट पेज पे, होम पेज पे। सो फ्रेंड, ये जो नीचे छोटी छोटी टॉफीज है, आपको बस इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दो स्पिन आ रखी हैं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पिन कर सकते हो। और इसके अंदर क्या है, रिपीट नहीं होंगे आइटम्स इस स्पिन के अंदर। सो फ्रेंड, इस पर बहुत अच्छी तरीके से छुपा रखी है इन्होंने, ये जो छोटी छोटी टॉफीज है इनके अंदर इन्होंने प्रीमियम क्रेड छुपा रखी है। तो बस आपको सिंपली इन टॉफीज पे क्लिक करना है। और आप इन टॉफीज पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो ये टॉफीज आ गई, बड़ी हो गई टॉफीज। और इन टॉफीज पे दोबारा करना, और ये हमारी मिल गई प्रीमियम क्रेड। सो फ्रेंड, ऐसे आप भी ट्राई करो, आपको भी फ्री प्रीमियम क्रेड मिल जाएगी। और इस बार तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने छुपाया है प्रीमियम क्रेड जो है। सो फ्रेंड, ये देखो प्रीमियम क्रेड मेरे को मिल चुकी है। सो फ्रेंड, अब M3 रॉयल पास का week 3 देख लेते हैं कि इसमें हमें कैसे मिशंस मिले हैं। और जैसे कि week 2 में काफ़ी टफ मिशंस थे, थोड़े से मुश्किल थे, टाइम कंज्यूमिंग भी थे और थोड़े से मुश्किल भी थे। मेरे दो मिशन अभी तक पूरे नहीं हुए, तो week 3 के थोड़े इजी है। और पहला मिशन जो है उसमें आपको टॉप 20 में आना है। देखो पहला मिशन जो है उसमें आपको टॉप 20 में आना है। मीरामार अगर आप खेलते हो, लिविक खेलते हो तो आपको टॉप 10 में आना है, शेनो खेलते हो तो आपको टॉप 20 में आना है। तो आप इन तीनों में से कोई एक करोगे तो आपका ये मिशन पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप शेनो या फिर लिविक खेलना, ये ज़्यादा ईजी है। और शेनोक खेलना, क्योंकि शेनोक में आपको 4 times ही आना है, 4 times ही टॉप 20 में आना है। तो शेनोक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीरामार काफ़ी बड़ा मैप हो जाता है, और लिविक में आपको 7 times टॉप 10 में आना पड़ेगा। और अगला टास्क जो है उसमें आपको 100 kills करने हैं अरीना के अंदर AKM से, तो ये भी काफ़ी ईजी है। तो आप बस 6-7 matches खेलना अरीना के, और 100 kills हो जाएंगे आपके AKM से। तो ये भी मिशन पूरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और तीसरा मिशन जो है उसमें रिवाइव करना है अपने टीममेट को 20 times। तो उसमें आप ये कर सकते हो, आप 3 बंदों को एक साथ खड़ा करो और उसमें नेट से उड़ा दो और फिर उन्हें रिवाइव कर दो। और ये आप फ्लोरा मैनेस में करो तो ज़्यादा बढ़िया, उनकी हेल्थ खुद ही बढ़ती जाएगी, तो फ्लोरा मैनेस में ज़्यादा सही रहेगा। अगला है फिनिश 2 enemies with 60 seconds landing, मतलब उतरते ही आपको 2 enemies को मारना पड़ेगा। तो ये आप लिविक में करना या फिर इरेंगल में करना, जहाँ पर हॉट ड्रॉप होता है, तो वहाँ पर आपका ये आराम से हो जाएगा। ये फिनिश 2 enemies within 60 seconds वाला ही आपका आराम से हो जाएगा, तो उसमें ये सही रहेगा। तो लिविक के आप उस पर उतर सकते हो मेन बिल्डिंग पे, या फिर आप टैक्सेंट उतर जाना फ्लोरा मैनेस मोड में, तो उसमें भी हो जाएगा ये आपका। अब जो ये नेक्स्ट जो हमारा मिशन है, इसमें ये है कि आपको लैंड करना है रूफ पे, तो आप इसमें इरेंगल पे या फिर शेनोक में होना। मीरामार दरअसल काफ़ी बड़ा मैप हो जाता है, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो आप या तो इरेंगल वाला चूज़ करना या फिर शेनोक वाला। और फिर आपको UMP 45 से आपको किल्स करने हैं 100 अरीना के अंदर, तो इसमें भी आपको 6-7 matches लगेंगे, और फिर आपका ये वाला मिशन भी पूरा हो जाएगा। 6-7 या 7-8 भी लग सकते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है पर ईजी है इस बार के जो मिशन है week 3 के। और week 4 के अंदर जो है, मतलब वो सॉरी week 3 का जो अगला मिशन है उसके अंदर आपको एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग उठानी है। कितनी बार, 14 matches में उठानी है आपको, तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर हो जाएगा। और फ्रेंड, इसमें जो नेक्स्ट मिशन है उसके अंदर आपको टोटल 20 enemies को डिफीट करना है सेल मैट्रिक्स में, जो वो ऊपर उठता है वहाँ पे आपको 20 enemies को डिफीट करना है फ्लोरा मैनेस में। तो हो जाएगा, 20 तो हो जाएगा, मतलब आपको 2-3 खेलने पड़ेंगे अगर आपके 7-8 kills होते हैं, तो आपको 2-3 खेलने पड़ेंगे। पर अगर आप एक ही मैच में अगर आप 15 kills कर दो तो बहुत ही बढ़िया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस वाले में। तो पर मैक्सिमम आपके 3 matches लगेंगे अगर आपके लगेंगे भी तो। सो फ्रेंड, यही थे M3 के रॉयल पास के जो week 3 के मिशन थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।